नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौधन और आप देख रहे हैं TV24। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। संचार और तकनीकों की सुविधा के इस दौर में पूर्वजों की कई बेमिसाल धरोहर से आज की पीढ़ी दूर होती जा रही है। इस कारण आज की पीढ़ी बहुत सारे ऐतिहासिक महत्व के सौहार्द भरे ताने बानों की परंपराओं से वंचित भी हो रही है। पहाड़ों से पौराणिक काल से प्राकृतिक जीव जंतु मानव और देवी देवताओं से पूर्वजों का अत्यंत गहरा रिश्ता रहा है, जिन्हें प्रतीकात्मक रूप से स्थापित किया गया है, जिन्हें विभिन्न अवसरों पर पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ पूजा अर्चना के साथ मनाया जाता है, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां भी उन सभी परंपराओं के साथ समरसता बनाकर खुशहाल जीवन जी सके। लेकिन आज संचार क्रांति के बाद नई पीढ़ी सबसे दूर हो रही है लेकिन आज संचार क्रांति के बाद भी नई पीढ़ी सबसे दूर ही नहीं हो रही है, बल्कि वे उनके महत्व से वंचित भी हो रही है। ऐसे में पिछले 2-3 सालों से अब नई पीढ़ी पुराने लोगों की उन बेमिसाल धरोहर को नए स्वरूप में परिवर्तन कर आकर्षित करा रही है। इसी क्रम में असेट गांव के पूर्वजों की पौराणिक संस्कृति और जीवन स्वरूप में ढालकर एक से बढ़कर एक कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। मंगलवार रात्रि को महामृत्युंजय महादेव के प्रांगण चौक में युवक युवतियों ने लाजवाब अभिनय कर पुराने लोगों की रचनाओं की प्रस्तुति दी। ये एक मेला नहीं है, ये क्या है कि एक पौराणिक मेला जो था वो क्या था कि लोगों को मिलने के लिए था। जो भी ध्यान बेटियां थी वो इस मेले में आती थी, क्योंकि पहले फोन का जमाना था नहीं। अब लोगों के पास फोन का जमाना है तो लोग मिल लेते, पहले यही एक माध्यम होता था, मेला वगैरह ही एक माध्यम होता था आपस में मिलने के लिए। तो दूर दूर से लोग आते थे, मिलते थे, मेले का आनंद लेते थे। पहले इतने बाजार भी थे नहीं कि लोग इतनी खरीदारी कर सकते, तो मेले का बीच बीच में ये मेला धीरे धीरे जैसे लोग बाजार के कल्चर की ओर बढ़ते गए तो मेला खत्म होता गया धीरे धीरे, तो इसलिए लोग इससे दूर। अभी हमने एक छोटा सा प्रयास किया है लोगों को जोड़ने के लिए, क्योंकि बीच बीच में क्या हो गया था, ध्यान बेटियाँ भी मेले में नहीं आ रही थी, बहुत सारे लोग मेले को मतलब बिल्कुल एक प्रकार से ये है कि ठीक है हमारे पूर्वज चला रहे तो हम भी इसको चला रहे हैं, ये चल रहा था, बट कोई मेले की तरह उसको सोच नहीं रहा था। अभी हमने इसको नए सोचे उसमें कुछ नए चीज़ जोड़ के, ताकि लोग आए मेले को देखें और उन्हें लगे कि यार ये कम पुरानी मेला ये होता था कि वो एक इंसानों जो मानव था और इंसानों के बीच माध्यम था एक जोड़ने का। अभी हम कई चीज़ें ऐसे होते हैं कि जो तो वैज्ञानिक को भी मालूम नहीं है, पौराणिक चीज़ें वो लोग भले ही पढ़े लिखे नहीं थे बट उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई थी कि जो आज तक के वैज्ञानिक उस पर खोज कर रहे हैं। तो एक माध्यम है जो हमारे मानवों को और इंसान भगवानों और मानवों के बीच का संबंध, यही मेला इसी मेले को हमने बीच में ये लुप्त हुआ था जैसे मैं पहले बता रहा, तो अभी हमने इसमें कुछ बदलाव किया 1-2 सालों से, तो काफ़ी लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, लोगों का हमें सहयोग भी मिल रहा है। ऐसा नहीं कि हमने किया और लोग इसको बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहे, लोगों का बिल्कुल हमें सहयोग मिल रहा है और हमें अच्छा मिल रहा है, वो हमें बल देते हैं फोर इस काम करने के लिए हिम्मत देते हैं। इसीलिए हमने ये पुराने जैसे कि आपने आज दिन में भी देखा होगा और रात में भी आप आए हुए हैं तो पहले तो आपका भी धन्यवाद कि आप भी इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं आगे, इसलिए हम आपका भी मेला समिति या सिद्धि से आपका भी धन्यवाद देते हुए हैं। यही हमारा एक मेला है। इसी मैं पहले बोला बता रहा था कि ये ध्यानियों का ही मेला है। इसमें क्या होता है अलग अलग जगह से ध्यान आती है, जैसे अभी बेटियाँ चली जाती हैं उनके साथ यहाँ के देवता भी लोग जाते हैं, देवता भी चले जाते हैं अपने लोग, तो वो लोग आते हैं अपने ध्यान जो आती है वो आती है अपने देवता का पूजन करती है, एक अच्छा उनको भी लगता है। ये मैंने बताया था कि ये मेला बीच में खत्म हो गया तो ध्यान ही नहीं आ रहे, तो उन्हें भी कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मेला समाप्त की ओर बढ़ रहा था, तो हमें इसमें इंटरेस्ट जगाया है उस नए चीज़ पर, तो ध्यान आती है तो उन्हें भी अच्छा लगता है कि हाँ भाई उनके गाँव का मेला है, वो भी अपने मेले के बारे में दूसरे अपने ससुराल जाके बताते हैं, वहाँ से भी लोग देखने के लिए आते हैं, तो ये सब चीज़ें इसमें है मेले में, इसलिए हमने इसको आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदारियाँ उठाई हुई है। नई पीढ़ी जो हमारी युवा पीढ़ी है इसकी ये एक नई सोच है, हमारे पौराणिक कार्यक्रम ऐसा नहीं कि हमारे पौराणिक कार्यक्रम कुछ वैसे थे मतलब बेकार थे ऐसा नहीं कह सकते हैं, हमारे पौराणिक कार्यक्रम बहुत अच्छे थे और हम उनको बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं, लेकिन नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए उसको हमने एक नया लुक दिया हुआ है। इसलिए हमने जैसा कि आपने देखा होगा हमने दिन में गंधर्व नाच किया, चांचड़ी भी यहाँ पर लगाई गई है महिलाओं के द्वारा, बहुत सारी बेटियाँ यहाँ पर हमारी आई हुई हैं, तो हम सब उनको इकट्ठा करने के लिए किस प्रकार से हम उनको यहाँ पर बुला सके, क्योंकि अब ऐसा होता है ना कोई पुरानी चीज़ चलती जा रही है तो सीढ़ी भी एक बार चलती है तो घिस जाती है, तो कुछ ऐसा हो रहा था है ना, तो हमें उसको नया बनाने के लिए हमने उसमें बालिकाओं के गाने डाले, उनका नृत्य डाला, नाच डाला, तो उससे वो सभी जो क्षेत्र के सभी लोग हैं सभी लोगों को हमारा ये मेला उस टाइम से हम देखते देखते मतलब 2 साल में मेले की काफ़ी प्रशंसा होती है। देखिए हमारा सभी से अनुरोध है कि जिस हिसाब से उन्होंने हमारा सहयोग पिछले साल किया, जिस हिसाब से उन्होंने हमारा सहयोग इस साल किया, हम अगले आने वाले साल में भी वो लोग हमारा सहयोग इसी प्रकार करेंगे,
और बहुत सारी संख्या में हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आप जुड़ें, हम और कुछ नया करेंगे, हम साल साल हम इसमें प्रगति कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि क्या कर क्या किया जा सकता है। देखो लेवल धीरे धीरे बढ़ता है, हमने कुछ प्रयास पिछले साल किया, उससे अच्छा कुछ इस साल किया और कोशिश करेंगे कि अगले साल इससे और अच्छा कर सके। और अपनी ध्यानी बेटी बुआरियों और सबको यहाँ पर बुलाकर हमारा मेन प्रयास यही है कि जो लोग हमारे यहाँ से पलायन कर चुके हैं उनको हम वापस अपने गांव में इस कम से कम इस संस्कृति के लिए तो लेकर आए। खबर चमोली से है जहां सभी राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव अब बेहद नजदीक है। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए जनपद चमोली के 584 मतदान केंद्रों में से दुरुस्त 40 मतदान केंद्र के लिए पोलिंग पार्टियों को मतदान दिवस के दो दिन पूर्व आज यानी बुधवार को चुनाव सामग्री के साथ रवाना किया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 24।